बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 40 चीज़ें अल्लाह अज़्ज़ा व जल को बेहद खुश कर देती हैं। नंबर 1, अल्लाह पर और अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात पर ईमान लाने पर अल्लाह ताला बेहद खुश होते हैं। नंबर 2, आखरत के दिन पर ईमान लाने पर। नंबर 3, और फरिश्तों के वजूद पर ईमान लाने पर अल्लाह ताला बेहद खुश होते हैं। नंबर 4, और पहली किताबों पर ईमान लाने पर। नंबर 5, और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने पर अल्लाह ताला बेहद खुश होते हैं। नंबर 6, और मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी पर ईमान रखना अल्लाह ताला को बेहद पसंद है और अल्लाह ताला इससे बहुत खुश होते हैं। नंबर 7, और तकदीर पर के भला और बुरा जो कुछ होता है अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है, इस पर ईमान रखने से अल्लाह ताला बेहद खुश होते हैं, सब अल्लाह की तरफ से है। नंबर 8, और गवाही दे तो इस अमर की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम उसके सच्चे रसूल हैं। नंबर 9, और कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत किसी हाल में भी ना छोड़ने पर अल्लाह ताला बेहद खुश होते हैं। नंबर 10, ज़कात अदा करने पर अल्लाह ताला बेहद खुश होते हैं। नंबर 11, और रमज़ान के रोज़े रखने पर। नंबर 12, अगर माल हो तो हज करें, यानी अगर जाने की कुदरत रखते हों तो हज भी करें, चूँकि अक्सर माने माल ही होता है इसलिए इसको ज़िक्र फरमा दिया, वरना मकसूद ये है कि हज की शरायत पाए जाते हों तो हज करना चाहिए, हज करने से अल्लाह ताला बेहद खुश होते हैं। नंबर 13, 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा रोज़ाना अदा करने से। इसकी तफसील दूसरी रिवायत में इस तरह आती है कि नमाज फजर से पहले 2 रकात, जोहर से कबल 4, जोहर के बाद 2 रकात, मगरब के बाद 2 रकात और इशा के बाद 2 रकात। नंबर 14, और वितर को किसी रात में भी नहीं छोड़ने चाहिए, चूँकि वो वाजिब है और इसका एहतमाम सुन्नतों से ज़्यादा है इसलिए इसको ताकीदी लफ्ज़ से ज़िक्र फरमाया है। नंबर 15, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करने पर अल्लाह ताला बेहद खुश होते हैं। नंबर 16, और वालिदैन की नाफरमानी करने पर। 17, और ज़ुल्मन से यतीम का माल ना खाने पर और शराब ना पीने पर, यानी ताकत होते हुए शराब मौजूद होने के बावजूद, कुदरत रखने के बावजूद अगर शराब ना पी जाए तो अल्लाह ताला बेहद खुश होते हैं। जिना ना करने पर, यानी ताकत और वसत के बावजूद जिना का मौका भी है, मौका महल भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद जिना ना करने पर अल्लाह ताला बेहद खुश होते हैं। 20, झूठी कस्में ना खाने पर, झूठी गवाही ना देने पर, ख्वाहिशात नफसानिया पर अमल ना करने पर, मुसलमान भाई की गीबत ना करने पर, अफीफा यानी पाक दामन औरत पर तोहमत ना लगाना, इसी तरह अफीफ यानी पाक दामन मर्द पर भी तोहमत ना लगाने पर अल्लाह ताला बेहद खुश होते हैं। 25, अपने मुसलमान भाई से कीना ना रखने पर। 26, लहो लब में मशगूल ना होने पर, तमाशाइयों में शरीक ना होने पर अल्लाह ताला बेहद खुश होते हैं। किसी पिस्ता कद को यानी छोटे कद को ऐब की नीयत से बोना मत कहो, यानी अगर कोई ऐब दार लफ्ज़ ऐसा मशहूर हो गया हो कि उसके कहने से ना ऐब समझा जाता हो ना ऐब की नीयत से कहा जाता हो, जैसा कि किसी का नाम बुद्धू पड़ जाए तो मुजायका नहीं लेकिन तान की गर्ज से किसी को ऐसा कहना जायज़ नहीं। 29, किसी का मजाक ना उड़ाने पर भी अल्लाह ताला, यानी आपके पास मौका है, आप कह सकते हैं जो बात आपके मन में है आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आपने उस चीज़ को रोक लिया, किसी का मजाक ना उड़ाया, तो अल्लाह ताला इस बात से बहुत खुश होते हैं। 30, मुसलमानों के दरमियान चुगलखोरी ना करने पर और हर हाल में अल्लाह जल्ला शानों की नेमतों और उसका शुक्र अदा करने पर अल्लाह ताला बेहद खुश होते हैं। 32, बला और मुसीबत पर सब्र, यानी कोई परेशानी मुश्किल आ गई है तो उस वक्त सब्र करना अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। 33, और अल्लाह ताला के अजाब से बेखौफ ना होने पर, यानी हर वक्त अल्लाह का अजाब, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की नाराज़गी से डरते रहना, अपने दिल को अल्लाह के खौफ से में रखना, तो इस चीज़ से भी अल्लाह ताला बेहद खुश होते हैं। आयज़ा से कता ताल्लुक ना करने पर बल्कि उनके साथ सिला रहमी करने पर, अल्लाह की किसी मखलूक को लानत ना करने पर, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इन अल्फाज का अक्सर विर्द अपनी ज़बान पर रखने से अल्लाह ताला बेहद खुश होते हैं।
38 जुमा और ईदैन में हाजिरी ना छोड़ने पर, यानी जब जुमा का दिन आता है और ईदैन आती हैं तो उसमें अपनी शमूलियत को बनाए रखना और हमेशा उसमें शामिल होना अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। 39 और इस बात का यकीन रखना कि जो कुछ तकालीफ और राहत तुझे पहुंची वो मुकद्दर में थी, तो जो टलने वाली ना थी, और जो भी नहीं पहुंची वो किसी तरह भी पहुंचने वाली ना थी। 40 हर नमाज के वक्त कामिल वजू करके नमाज को कायम करने पर, कामिल वजू वो कहलाता है जिसमें आदाब व मुस्तहबात की रियायत रखी गई हो, और हर नमाज के वक्त इशारा है इस बात की तरफ कि नया वजू हर नमाज के लिए करे अगरचे पहले से वजू हो, कि यह मुस्तहब है और नमाज कायम करने से इसके तमाम सुनन और मुस्तहबात का एहतमाम करना मुराद है। सफ़ों का हमवार करना कि किसी किस्म की भी कुजी या दरमियान में खला ना रहे, ये भी नमाज कायम करने के मफहूम में दाखिल है। इस चीज़ से भी अल्लाह पाक बेहद खुश होते हैं।